Nationalism in India. Nationalism is the loyalty and devotion to a nation. Nationalism is a feeling of an individual towards his or her nation. फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है और अगर इंडिया उसके अंदर जीत जाता है वाई वी फील हैप्पी दिस इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर एंड इफ़ द पाकिस्तानी किल्ड एनी ऑफ आर इंडियन सोल्जर वाई डू वी फील बैड दिस इज नेशनलिज्म. लेकिन इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ, कैसे एमर्ज हुआ, इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग की जो शुरुआत है वो हम देख सकते हैं एंटी कॉलोनियलिज्म. एंटी कॉलोनियलिज्म का मतलब व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो जो ब्रिटेन से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वहीं से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की बिगनिंग को माना जाता है. जब डिफरेंट तरह के, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट स्टेटस के लोगों ने अपने इन डिफरेंसेस को भूलकर अपने कॉमन एनिमी यानी कि जो उनका एक शत्रु है, जो सबका एक कॉमन एनिमी है, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया. इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. वी विल लर्न दैट how different social group participated in the movement. Impact of First World War on Indian economy and society. The First World War. World War I broke out in 1914. India was under the British rule at that time. Because at that time India was the colony of Britain, so India joined the World War I on the behalf of Britain. Increase in defense expenditure led to increase in taxes. क्योंकि अब वॉर चल रहा था तो डिफेंस के ऊपर, इट मीन्स सेना के ऊपर, हथियारों के ऊपर, इन सब के ऊपर होने वाले खर्चे को इनक्रीज किया गया. जब ये खर्चा बढ़ गया तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए इंडिया के अंदर टैक्सेस को बढ़ाया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स मतलब जबरदस्ती, इट मींस जबरदस्ती गांव को के लोगों को कहा गया कि वो सेना में भर्ती हो, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे. और इसके साथ साथ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर क्रॉप फेलियर हो गया, लोगों की फसलें खराब हो गई, जिसकी वजह से इंडिया में खाने की कमी हो गई. थ्रू द वॉर ईयर प्राइस ऑफ थिंग्स इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18 लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. अब क्योंकि टैक्स इंक्रीज किए जा रहे थे तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी, तो इन वॉर ईयर्स में 1913 से लेकर 1918 तक लगभग उन सभी चीज़ों की कीमतें दुगनी कर दी, जिससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा. अभी ये सब प्रॉब्लम्स चल ही रही थी कि इतने में एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स महामारी फैल गई इंडिया के अंदर, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई. अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, सेंसस इज कॉल्ड इन हिंदी जनगणना, इट मीन्स आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काउंट होता है. तो जब 1921 में सेंसस हुआ तो पता चला कि वॉर और एपिडेमिक यानी कि युद्ध और बीमारी की वजह से इंडिया में से 12 टू 13 मिलियन लोग मर चुके हैं. पीपल होप दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट दिस डिड नॉट हैपन. और लोगों को ये आशा थी कि जैसे ही ये वॉर ख़त्म होगा हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह इज अ हिंदी वर्ड, सत्या आग्रह, इट मीन्स अपील फॉर ट्रूथ. सत्याग्रह इज एन आइडिया बाय विच अ फाइट फॉर ट्रू कॉज और अगेंस्ट इनजस्टिस इज फॉट विदाउट एनी वॉयलेंस. सत्याग्रह के अनुसार महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य में खुद ही बहुत ताकत होती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अन्याय
के खिलाफ लड़ रहा है या वो सत्य के लिए लड़ रहा है, तो उसे वॉयलेंट होने की, एग्रेसिव होने की, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्याग्राही के लिए फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह में हमें जुल्म करने वाले की आत्मा के ऊपर प्रहार करना, इट मींस कि बार बार हमें उसे ये समझाना है कि वो गलत कर रहा है, और इस तरह से बार बार समझाने से एक सत्याग्राही जो है वो बिना फोर्स के, बिना किसी ताकत के इस युद्ध को जीत सकता है। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और वो साउथ अफ्रीका में भी अपने सत्याग्रह के तरीके को यूज़ कर चुके थे, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर इन 9th क्लास वी रेड अबाउट द अपार्टाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक पीपल बाय द वाइट पीपल। तो इस मेथड से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में भी लड़ चुके थे, तो उन्होंने इंडिया में आकर बहुत सारे सत्याग्रह लॉन्च किए। चंपारण बिहार सत्याग्रह इन 1916, खेड़ा सत्याग्रह इन 1917 एंड अहमदाबाद मील स्ट्राइक इन 1918। चंपारण बिहार में उन्होंने कुछ मजदूरों के साथ ही सत्याग्रह चलाया जो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर पीजेंट्स की एक तो फसल खराब हो गई थी, और दूसरा वो प्लेग की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो चाहते थे कि सरकार जो है वो टैक्स के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे, इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया। और 1918 में अहमदाबाद के मील वर्कर्स, इट मींस जो कम पैसे यानी कि कम वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उनके लिए एक सत्याग्रह लॉन्च किया। रॉलेट एक्ट, द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश ऑफिसर टू इम्प्रीजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो ये रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसके अकॉर्डिंग अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय नेता को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। और पर्पस क्या था इस एक्ट का, इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो उसको रोकना चाहते थे। महात्मा गांधी केम आउट विद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह इन 1919। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 1919 में एक सत्याग्रह चलाया। लोगों ने रैलीज की, रेलवे वर्कशॉप्स के अंदर स्ट्राइक कर दी गई, लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, जिसकी वजह से रेलवे और टेलीग्राफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। सो ऑन 10 अप्रैल 1919, तो 10 अप्रैल 1919 को जब लोग शांति से रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अमृतसर के अंदर जितने भी लोकल लीडर्स थे जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया और महात्मा गांधी के दिल्ली आने पर रोक लगा दी गई। टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश इम्पोज्ड मार्शल लॉ। अब इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश ने मार्शल लॉ मतलब लाइक एक तरह का कर्फ्यू लगाना, सेना को बुला लेना। जनरल डायर टुक कमांड, और जनरल डायर को इसका कमांड दिया गया। ऑन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। 13 अप्रैल 1919, इट मीन्स ये बैसाखी का दिन था, तो कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ इनोसेंट लोग जिन्हें ये नहीं पता था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, वो बैसाखी का मेला देखने के लिए जलियांवाला बाग में आए थे। जनरल डायर ने ऑर्डर किया कि सभी एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया जाए, और फिर उसने कहा कि गोलियां चला दो। तो जनरल डायर ऑर्डर टू क्लोज ऑल द एग्जिट गेट्स एंड ही ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड, और इस तरह से हज़ारों इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे गए। अब जब इस तरह से हुआ, तो जैसे ही ये न्यूज़ बाकी दूसरे शहरों में पहुँची,
तो इंडिया के बाकी जो इंडियंस थे उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, चाहे वो पोस्ट ऑफिस थे, चाहे रेलवे स्टेशन थे, बैंक्स थे, सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और इस वायलेंस की वजह से महात्मा गांधी को ये अपना मूवमेंट यहीं रोकना पड़ा। लेकिन जनरल डायर ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज वो इंडियंस के मन में एक डर की फीलिंग क्रिएट करना चाहता था, ताकि दोबारा से कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस तरह का कोई मूवमेंट लॉन्च ना कर सके। सत्याग्राही को पकड़ लिया गया और उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि तुम अंग्रेज़ों को सलाम करो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने चलाया, लेकिन ड्यू टू वायलेंस महात्मा गांधी को अपना वो सत्याग्रह वापस लेना पड़ा। You can see the marks of bullets in this picture, and this is the picture of General Dyer.